स्टार्ट करें। यस बेटा, सबसे पहले जिन फॉर्मुलों का आज बहुत ज्यादा यूज आएगा वो ये आएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस, यस को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं ऊपर, तो ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस सबसे अच्छे देख लो ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। तो क्या सर ये फॉर्मूले लिखने चाहिए? हाँ बेटा, ये फॉर्मूले तो दो देखते हैं, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 इज इक्वल टू 1/16 प्रूफ करो। तो सर इस क्वेश्चन को चलते चलते बस बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी। सर क्या रिक्वेस्ट? कि बेटा बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब क्वेश्चन करो ना तो साथ चलना। सबसे पहले तो कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो इसको तो साथ में 1/2 लिख दो। सेकंड स्टेप कितनी आ जाएगी? कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, क्या बात कर रहे हो सर, 1/2। हाँ बेटा 1/2 बाहर ले लिया, कॉस 20 कॉस 40 और कॉस 80। ठीक है सर, अभी मेरी इच्छा है कि मैं 2 से डिवाइड भी करूं और एक 2 अंदर मल्टीप्लाई भी करूं, 2 कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80। तो देखो आपने कॉस इसकी तो वैल्यू लिख दी थी, किसकी? 60 की, तो वो तो हट ही गया था। अब आपने 2 अगर अंदर बाहर डिवाइड करा है तो अंदर मल्टीप्लाई भी करा है, तो क्यों करा? ताकि 2 कॉस ए कॉस बी हो जाए, 2 कॉस ए क्या हो जाए, 2 कॉस ए कॉस बी। और मेरे पास 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला भी है मेरे बच्चों, मेरे पास 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला भी है। तो सर बाहर तो आपने 1/4 कर दिया, अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस b, जैसे cos a माइनस b मतलब cos 20 माइनस 40 प्लस cos 20 प्लस 40, और बाहर आपने ले लिया cos 80। पहले मेरी इच्छा है कि बच्चा, लगता है कि अब आपको ये तो आएगा ही आएगा कि 1/4 होगा, आप चाहो तो 2 डिवाइड भी कर लो, 2 मल्टीप्लाई भी कर दो। तो सर इसमें क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा cos, सर माइनस 20 की cos 20, बेटा कॉस 20 ही रहेगा। क्यों कॉस 20 रहेगा? क्योंकि माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा ही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉस 80। सर ये कहाँ से है? 2 डिवाइड करा ना, जब 2 डिवाइड करा तो 2 मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करा तो 2 मल्टीप्लाई भी करा। तो ठीक है ना सर, आपका कहना क्या है हम तो यही समझ नहीं पा रहे ढंग से। समझते हैं बेटा, धीरे धीरे समझते हैं। अब तू समझ, सबसे पहले 1/8 तो बाहर हो गया, इस ब्रैकेट को तो खोल जरा, ये कितना हो जाएगा? सर 2 cos 80 cos 20 प्लस 2 cos 80 cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 60 कितना होता है? हाफ। तो क्या सर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा? हाँ बेटा। अब सिर्फ इतना सा बता दे कि ये 2 cos a है cos b है, 2 cos a cos b, ये 1/8 हो गया बेटा। तो 2 cos a cos b क्या होता है? सर 2 cos a cos b देखो, कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 80 माइनस 20 प्लस कॉस 80 प्लस 20, कॉस 80 माइनस 20 प्लस कॉस 80 प्लस 20, और यहाँ पे बाहर कितना आ गया? कॉस 80 बाहर कितना आ गया? कॉस, अरे बाहर तो आएगा ही नहीं, हाँ बाहर प्लस में चल रहा है कॉस 80, प्लस में कितना चल रहा है? कॉस 80, 8 cos 60 प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 80। बस एक बात मेरी मान लेना, उसका मैं जवाब दूंगा परसों, परसों या कल, कि कॉस 80 को भी आप माइनस कॉस 100 लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है यार, आप ऐसे कैसे बोल गए कि कॉस 80 को आप माइनस कॉस 100 लिख सकते हो? क्योंकि बेटा जिसने भी थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ध्यान दिया कि पूरा सर्कल पाए पे चलता है, और पाए का मतलब क्या होता है? 180। पाई का मतलब क्या होता है? 180, ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं। तो क्या सर कॉस जो 80 होता है, क्या उसको आप माइनस कॉस 100 लिख सकते हो? क्योंकि देखना 80 इस तरफ से हो रहा है तो उस तरफ से कितना हो रहा है? 100। इस तरफ से 80 हो रहा है तो उस तरफ से कितना हो रहा है? 100। तो क्या इसको आप माइनस कॉस 100 लिख सकते हो? हाँ। क्या सर इसके फॉर्मूले भी होते हैं? हाँ। क्या सर आप इसके फॉर्मूले लिखवाओगे? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा,
तो सर इसमें से अब करा क्या जाए, इसमें से करा ये जाए कि अगर कोई बच्चा बात थोड़ी सी भी माने तो ये कॉस 100 से कॉस 100 क्या हो गया, कॉस 100 से कॉस 100 क्या हो गया, कैंसिल, बता बच क्या गया, कॉस 60। अब कॉस 60 कितना होता है, 1/8 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना, 1/16। क्या सर यही प्रूफ करना था? द आंसर इज यस, यही प्रूफ करना था। लव इट। कॉस 30, कॉस 50, कॉस 70, कॉस 90, कॉस 10 से होगा ना, कॉस क्योंकि कॉस 10, कॉस 30, कॉस 50, कॉस 70 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 3/16। तो सबसे पहले तो हम कॉस 30 की वैल्यू बाहर ले लेंगे, वो हो जाएगी √3/2, और नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर लिख देंगे 2 cos 10 cos 50 cos 70। सर क्या करा, पहले तो कॉस 30 की वैल्यू लिख दी √3/2, ठीक है बेटा, और फिर 2 डिवाइड भी करा, 2 मल्टीप्लाई भी करा, 2 डिवाइड भी करा, सर इससे क्या होगा, आपकी नियत क्या है देखना बेटा, 2 cos A cos B, बाहर तो शुरू हो चुका है √3/4। चलो क्या ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा क्या? हाँ सर, आप ये तो सिखा दो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कितना, cos 70 इंटू कितना, cos 70। ठीक है सर, थोड़ा समझते हैं, √3/4 तो ठीक है सर, आप 2 डिवाइड कर लो, अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो गया cos 60 प्लस cos 40 इंटू बाहर आ जाएगा 2 cos 70। क्या पहले यहां तक कर सकते हो? ठीक है हो गया। चलो सर आप √3/8 तक पहुंच चुके हो, सर ओपन करेंगे तो cos 60 तो हाफ होता है, तो हाफ इंटू 2 cos 70 प्लस 2 cos 40 cos 70। क्या बात है सर, 2 से 2 तो कैंसिल, ठीक है बेटा √3/8 भी आ चुका है। चल ये cos 70 चल रहा है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, बता बता 2 cos A cos B क्या होता है, cos A plus B प्लस cos A minus B, cos A plus B प्लस cos what A minus B। ठीक है सर, ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है √3/8, बता cos 70 को पिछली बार की तरह -cos 110 लिख दूं क्या? सर वो आपने ऐसे 180 बना के बताया था कि इधर 70 है तो इधर 110 होगा, तो सर इसलिए वो माइनस में हो जाता है, और आपने बोला भी था उसका फॉर्मूला आप अलग से वीडियो में समझाओगे, बिल्कुल समझाओ, बिल्कुल समझाऊंगा, तो -cos 110 प्लस cos 110 प्लस cos 30 प्लस cos कितना, कैंसिल। अब बता cos 30 कितना हो गया, cos 30 इज समथिंग √3/2 एंड द आंसर इज 3/16। सर का क्वेश्चन है देखते जरा, अब समझ पाए तो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, sin 30 sin 50 sin 70 sin 90 इज इक्वल टू, सॉरी यार बार बार ये आखिरी में, sin 10 इज इक्वल टू 1/16 प्रूफ कर, 1/16 क्या बात कर रहे हो सर। ठीक है सर नो प्रॉब्लम, सबसे पहले तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2, उसको ले लेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो 2 sin 10 sin 50 और sin 70 हो जाएगा सर। मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो सर अभी क्या हो गया, 2 sin A sin B आ, तो सर 2 sin A sin B क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइन से नहीं आता, कॉस से ही आता है, ये देख ये होता है cos A minus B minus cos A plus B। सर सर क्या कर रहे हो, देखना बेटा cos A minus B minus cos कितना A plus B, तो बता नहीं क्या हो जाएगा, साइन कित सॉरी कॉस ही कॉस cos 10 minus 50 minus cos 10 plus 50, दिस होल इनटू कितना sin 70, दिस होल इनटू कितना साइन 70। ठीक है ना सर,
अभी अपन आपको पता ही है, टू डिवाइड करेंगे और टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये खुलेगा कॉस 40 माइनस कॉस 60, और सर आप बाहर लिख दोगे टू साइन 70। ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया। सर आप बताए आप क्या करोगे, 1/8 तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, टू साइन 70 कॉस 40 माइनस टू साइन 70 कॉस 60 का मतलब होता है सर हाफ, कॉस 60 का मतलब कितना होता है हाफ। सर आप ये टू से टू कटवा दोगे, मैंने बोला हाँ यार कटवा दूंगा। अभी सर आएगा नया फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, पता पहला वाला फॉर्मूला। सर टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, ये क्या नई बात लेके आए, टू साइन ए कॉस बी होता है साइन 70 प्लस 40 प्लस साइन 70 माइनस 40 दिस होल माइनस साइन 70, माइनस साइन कितना 70। ठीक है सर, समझ पाते हैं आपकी बातों को। आगे अगर बात करें तो ये 1/8, ये साइन 110 प्लस साइन 30, और ये साइन 70 भी साइन 110 ही होता है सर, सेम होता है। हाँ क्योंकि साइन के केस में क्या होता है बेटा, इधर का और इधर का पूरा साइन का ही एरिया होता है, मतलब ये पूरा ही घर साइन का होता है। इसका मतलब क्या सर, कॉस नेगेटिव होगा लेकिन साइन ऐसा नेगेटिव नहीं होता, यहाँ से 70 और यहाँ से 110 है, क्योंकि साइन तो प्यारा होता है ना, साइन प्यारा होता है, साइन सेम होता है। सर क्या ये सब बातें आपको डिटेल में समझाओगे? हाँ बेटा डिटेल में समझाऊंगा। साइन 70 का फिलहाल मतलब साइन क्या होता है 110, तो ये से ही कैंसिल, 1/8 इंटू साइन 30, और साइन 30 कितना हो गया 1/2, ये पूरा कितना हो गया 1/16 पूरा कितना। चल बेटा तो ये तेरी इच्छा मानी कि तू अपनी इज्जत यूज कर, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 3/16 क्या कर सकता है तू, इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स है सर, साइन 60 इज व्हाट, √3/2। ठीक है सर, साइन 60 इज √3/2। सर व्हाट नेक्स्ट, टू से डिवाइड करूंगा, टू साइन 20 साइन 40 साइन 80। ठीक है सर, तो √3/4, टू साइन ए साइन बी, बताओ टू साइन ए साइन बी क्या होता है सर, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और बाहर चल रहा है हमारा साइन 80, बाहर क्या चल रहा है साइन 80। ओके सर, √3/4 कॉस 20, सर आप टू मल्टीप्लाई भी करोगे, हाँ बेटा कॉस 20 माइनस कॉस 60, और बाहर आ जाएगा टू साइन 80, बाहर क्या आ जाएगा टू साइन 80। सर व्हाट नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करो, तो √3/8 टू साइन 80 कॉस 20 टू माइनस टू साइन 80 इंटू, ये पूरा कितना हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा बेटा हाफ। ठीक है सर, ये टू से ये टू क्या हो गया कैंसिल, √3/8 अब खुद बता टू साइन ए कॉस बी, तो सर ये तो होता है साइन क्या ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस कितना साइन 80, चेक कर लो। ठीक है ना सर, समझते हैं आपकी बातों को, मानते भी हैं इस बातों को। ये √3/8 क्या ये साइन 100 हो गया, हाँ, क्या प्लस ये साइन 60 हो गया, हाँ, साइन 80 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन 80 को फिर से साइन 100 ही लिखते हैं क्या, अभी आपने सिखाया तो है कि साइन 80 और 100 सेम ही होते हैं। ठीक है, ये सही क्या हो गया कैंसिल, √3/8 इंटू √3/2 That is equal to what? 3/16। यही पी लेते हैं, 10 20 10 40 10 80 10 20 10 40 10 80 is equal to 10 60 बोल रहे हैं ये लोग, इक्वल टू 10। क्या कोई दिमाग लगाना चाहेगा इस स्टार्ट, मेरे को तो साइन के फॉर्मूले बताया ना, तो मैं तो उसको साइन 20 कॉस 20 साइन 40 कॉस 40 साइन 80 कॉस 80 लिख लेता, क्या कर दो सर, फिर ऊपर भी टू मल्टीप्लाई करता नीचे भी टू मल्टीप्लाई करता, इससे क्या होता सर, टू साइन ए साइन बी टू कॉस ए कॉस बी, बता टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या बात कर रहे हो सर,
बाहर तो साइन 80 चल रहा है, नीचे क्या है, टू कॉज ए कॉस बी। टू कॉज ए कॉस बी क्या होता है बताओ, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और बाहर क्या चलता होता, कॉस 80। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब सर ऊपर क्या बच गया, तो आराम से है ना सर, ऊपर बच गया कॉस 20 माइनस कॉस 60 इंटू कितना बाहर चल रहा है साइन 80। नीचे क्या बच गया सर, नीचे बच गया कॉस 20 प्लस कॉस 60, बाहर क्या चल रहा है कॉस 80। ठीक है सर, आपकी ये बात भी चलो मान ली। अभी सर क्या दोनों को खोलना है, हाँ दोनों को खोलना है टू मल्टीप्लाई के साथ, मतलब टू इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, टू इधर भी मल्टीप्लाई। तो सर क्या आ गया, टू साइन 80, टू साइन 80 कॉस 20 माइनस टू साइन 80 कॉस 60 कितना होता है हाफ। ठीक है सर, इधर क्या बच गया सर, टू कॉस 80 कॉस 20 प्लस टू कॉस 80, और ये क्या चल रहा है कॉस 60 का मतलब क्या होता है हाफ, तो टू से टू क्या हो गया कैंसल। सर क्या टू से टू कैंसल हो गया, हाँ बेटा टू से टू कैंसल हो गया। अब आएगा मजा असली वाला, सर क्यों असली वाला, मैंने 10 कि 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b, सर sin a cos b होता है sin, अगर बच्चे समझे तो, a plus b plus sin a minus b। मैंने बोला ठीक है, और बाहर माइनस क्या चल रहा है sin 80 चलने दो, अपॉन में 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b, सर 2 cos a cos b होता है cos a plus b प्लस कॉस ए माइनस बी, और बाहर क्या चल रहा है कॉस 80। क्या बात कर रहे हो सर, तो क्वेश्चन तो मानो चाहे नहीं मानो कराया तो आज काम के ही है। ठीक है बेटा, अब अगर कोई बच्चा मेरी सिर्फ इतनी सी बात मान पाए और समझ पाए, सर ये क्या हो गया साइन 100 प्लस साइन 60, और साइन 80 का मतलब सर वही होता है 100 ही होता है, साइन 80 का मतलब क्या साइन 100 होता है। हाँ सर, अभी कशिश ने पूछा था कि इसमें साइन चेंज नहीं होती है, मैंने बोला साइन चेंज नहीं होती है, तो माइनस साइन कितना 100। ठीक है सर, नीचे क्या कॉस 100 प्लस कॉस 60, ये जो कॉस 80 है, इस कॉस 80 का मतलब कॉस 100 होता है कि माइनस कॉस 100, सर कॉस के केस में माइनस कॉस 100, तो सर साइन 100 से साइन 100 कैंसिल, कॉस 100 से कॉस 100 कैंसिल, यू आर एंड अप विद sin 60 upon में cos 60 is equal to 10 60।